जनाब चेयरमैन, थैंक यू राजा साहब। चेयरमैन साहब, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि जो सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं, कोई दो जुम्मा तीन जुम्मा बचा हुआ यही सेशन या एक छोटा सा सेशन हो रहे हैं, तो उनको आप मेहरबानी करके बोलने का थोड़ा वक्त ज़्यादा दें रेदर देन अदर सेनेटर जो 3 साल और भी उनके पास वक्त है। 6 साल आप बोलते ही रहे। चेयरमैन साहब, आज का जो एजेंडा है, मैं समझता हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से ये बहुत इंतहाई अहमियत का आमिल एजेंडा है, और हम गुज़िश्ता 2 महीनों से कोशिश करते रहे कि ये एजेंडा एटम, इस फ्लोर की एजेंडा एटम आए और हम इस पर बात करें। मंजूर काकड़ साहब, मास्क पहन लें, मेरी आप सबसे गुजारिश है मास्क पहन के रखें हाउस में जी। चेयरमैन साहब, कबीर साहब आप भी सर, मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बात करने वाले को इजाजत हो बस, बाकी मेहरबानी सर, बात करने के बाद फौरन पहन लूंगा। चेयरमैन साहब, इस्लामाबाद में एक शुरू दिन से एक माइंड सेट रहा है, और उस माइंड सेट का ये कोशिश रहा कि सूबों के वसाइल पे और सूबों के इख्तियारात पे कब्जा कर ले, और उस माइंड सेट का ये वतीरा रहा कि वो मुख्तलिफ ईले बहानों से सूबों के हकूक में डायरेक्ट मुदाखलत कर लें। उनकी चंद मुख्तसरन मिसालें कि बलूचिस्तान के फैसल साहब प्लीज सुन लें जी, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी और सिंध की साहिली पट्टी को इस्लामाबाद के ताबे करना, या ग्वादर को मकरान से अलायदा करने का शोशा करना, या कराची को विफाक के ताबे लगाना, विफाक की ताबे करना, नेशनल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना कि जिसके तहत सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज को इस्लामाबाद की सुपुर्द करना, इन सब के साथ साथ एक और नाम नहाद बात गुज़िश्ता 4 महीनों से चल रहा है कि इस्लामाबाद कहता है कि जुनूबी बलूचिस्तान। चेयरमैन साहब, ये वन यूनिट की तरफ जाने की वो इकदाम है जिसके लिए 70s में हमने बड़ी कुर्बानियां दी, हमने जेलें काटे, हम कुली कैंपों में गए, हम मच जेल में गए। आज उन्हीं चीज़ों को दोबारा से मौजूदा हुकूमत लाने की कोशिश कर रहा, और इसके साथ ही जिस बात पे आना चाहूँगा चेयरमैन साहब, इस बिल्डिंग से 100 मीटर के फासले पे एक बिल्डिंग है जिसको हैवान सदर कहा जाता है, और सदर मुमलिकत वहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, और सदर मुमलिकत का इख्तियार जो आईन में वाज़ेह है वो कानून की पासदारी करना, और आईन का पासदारी और कानून की पासदारी करना है। लेकिन बदबख्ती से मौजूदा हुकूमत सदर पाकिस्तान को एक मशीन पे बिठा के आर्डिनेंस फैक्ट्री बना चुका है। मैं आज सुबह चेक कर रहा था तो मौजूदा हुकूमत ने अपने वक्त में 2.5 साल में 40 के करीब आर्डिनेंसेस जारी कर चुका है, और ये 40 ऑर्डिनेंसेस उस वक्त जारी हुए जब अक्सर व बेशतर हमारे पार्लियामान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असेंबली वो सेशन में थे। तो चेयरमैन साहब, 40 ऑर्डिनेंसों का उस वक्त इजरा करना, उस मशीन से छापना जो सदर पाकिस्तान साहब उस पर बैठे हुए हैं, ये हम क्या समझे इसको? और ये अगर 40 ऑर्डिनेंसेस की आप बगौर जायजा लें तो आपको इस रियासत की, इस मुल्क की, इस कौम की मुफाद में एक भी आपको वो ऑर्डिनेंस नहीं मिलेगा कि जिसको हम समझा जाए कि वाकईतन ये वक्त की बहुत ही जरूरत था, अशद जरूरत था, जो इस हकूमत ने इसको जारी किया। और उसी तरह रात की तारीकी में और बिल्कुल छुपके से एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ जनाब चेयरमैन, और वो ऑर्डिनेंस सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों को इस्लामाबाद के ताबे करना था, और सिंध और बलूचिस्तान के जो जजीरे हैं, जजायर हैं, उसको आईन का तहफुज हासिल है। चेयरमैन साहब, आईन जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, इस आईन के आर्टिकल
152 और 172 कथन इस ऑर्डिनेंस की इजाजत नहीं देते, जो ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान ने जजायर को कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया। और ये ऑर्डिनेंस 2 सितंबर 2020 में इंतहाई राजदारी के साथ ये इसका इजरा हुआ और कहा यह गया कि जी इस ऑर्डिनेंस में हम इसलिए इसको विफाक के ताबे करना चाहते हैं कि हम टूरिज्म को सपोर्ट करें, सपोर्ट दें, हम वहां पे सोसाइटीज बना दें। चेयरमैन साहब, 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद का टूरिज्म के साथ कोई वास्ता नहीं, सूबे अपना टूरिज्म खुद डेवलप करते हैं। अगर इस्लामाबाद टूरिज्म के साथ इतना हमारे साथ वो करना चाहता है तो सूबों को पैसा दे और सूबों को कहे कि आप अपना टूरिज्म डेवलप करो, और अगर टूरिज्म में इस्लामाबाद का मदद चाहिए तो सूबा उससे मदद हासिल करे। डायरेक्ट सूबे के 18वीं तरमीम के बाद टूरिज्म पे नहीं जा सकता। और वहां पे वो कहा गया कि जी हम यहां पे सोसाइटीज बनाएंगे। चेयरमैन साहब, अगर सोसाइटीज बनाएंगे तो DHA बनेगा, जो वहां के मायगीर का नहीं होगा, जो साइल पे पड़े हुए गरीब मछेरे का नहीं होगा, वो किश्तीबान का नहीं होगा, शायद उस DHA में फिर और लोग होंगे, उस इलाके के लोग नहीं होंगे। मैं चेयरमैन साहब यहां पे इस फ्लोर पे कहना चाहूंगा कि जब भी इस्लामाबाद ने चाहा तो बलूचिस्तान की वसाइल को लूटने के लिए कोई ना कोई जरिया तलाश किया, चाहे वो साइंदक प्रोजेक्ट के हवाले से हो, चाहे आपका सुई गैस के हवाले से हो, या जो डीप सी पोर्ट को सीपैक का नाम दिया गया, हमें उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी हमारे जमीनों के हवाले के जी हम साइल को और साइल से के हवाले से जजीरों को हम अपने इख्तियार में लेंगे। चेयरमैन साहब, इस्लामाबाद के लिए तो ये जजायर और ये साइल एक जमीन के टुकड़े होंगे, वो ऐसा टुकड़ा होगा कि जो उसको बेच के पैसा कमा सकता है, जो उसको इस्तेमाल करके उससे पैसा कमा सकता है, लेकिन जनाब चेयरमैन वहां पे रहने वाले उन मछेरों का, वहां के रहने वाले वो सपूत जो उधर पैदा हुए हैं, वो हजारों साल से वो आबाद है, उनके लिए तो उनका मादर वतन है, वो अपनी मादर वतन को मुहिम जोई की सूरत में कि इस्लामाबाद उस पर मुहिम जोई करके कब्जा करना चाहता है, कथन उसको नहीं छोड़ेंगे। और जनाब चेयरमैन, मैं आज इस फ्लोर पर यह बिल्कुल वाजिया करना चाहूंगा कि बलूचिस्तान के और सिंध के साइल, बलूचिस्तान के और सिंध के वसाइल और बलूचिस्तान और सिंध का जो मौजूदा ऑर्डिनेंस पे जजायर, इसको किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब, इसको अवामी ताकत से, अवाम की जोर से हम किसी सूरत भी इस्लामाबाद को इस पर काबिज होने नहीं देंगे। और दूसरी बात चेयरमैन साहब, हमने हर वक्त कहा कि जी इस मुल्क की उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा जब इसकी दस्तूर पे अमल दरामद नहीं हो, जब इस दस्तूर को इसकी रूह के मुताबिक तशरी नहीं किया जाए, जब ये दस्तूर खुद आपको इजाजत नहीं देता कि आप सूबों के हकूक में इंक्रोचमेंट कर लो, आप सूबों के जो उनकी हक है, जो उनका है, आप जबरदस्ती एक कागज के टुकड़े से उनको अपने इख्तियारात में ले लो। मैं आज तंबीह करता हूं विफाक को, मौजूदा हुकूमत को, कि खुदारा बहुत हो चुका, आपने इतनी नफरतें फैलाए, आप उधर तक जाएं जहां से वापसी का कोई रास्ता हो, वापसी मुमकिन हो, आपने नफरतों का वो हद कर दिया कि शायद ये अभी बर्दाश्त से बाहर है, और वहां के सपूत रहने वाले वो किसी सूरत भी अपनी जमीन को, अपनी साइल को और अपने जजीरों को इस्लामाबाद को नहीं देंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ भी उनको करना पड़े। और बजाय कि बलूचिस्तान में इससे पहले इतनी बड़ी दस्तंदाजी हुआ, बलूचिस्तान ने इससे पहले जितनी भी दस्तंदाजी थे अभी तक उस नफरत से नहीं निकला, आपने एक और महाज कड़ा कर दिया, आप एक और महाज खोल रहे हो, जब तक कि पुराना जो आपने बलूचिस्तान पे दरअंदाजी करके
दस्तंदाजी करके जो आपने बलूचिस्तान को जख्म दिया, अभी तक बलूचिस्तान उससे भी नहीं निकला। आप इस रियासत को किधर ले जाना चाहते हो? और दूसरी बात शेमे साहब, ये जो बलूचिस्तान के और सिंध की हकूक और सिंध और बलूचिस्तान के साइल वसाइल और जजीरे, ये किसी की बाप का जायदाद नहीं है कि शाम को बैठे और उन्होंने एक फोन किया और सुबह मशीन से एक लेटर कंप्यूटर पे निकला कि जी हमने इनको शिफ्ट कर दिया है। ये वहां के रहने वाले हजारों सालों से रहने वाले उन मच्छरों का, जो जिनकी अजदाद ने वहां पे जिंदगियां गुजारा और जिन्होंने इनकी हिफाजत के लिए नस्ल दर नस्ल कुर्बानी देते गए, ये उनका इख्तियार है और सूबों का इख्तियार है। जो आपने उनको आईन में ये तहफ्फुज़ दिया है कि जी विफाक सूबों में, मैं तो समझता हूं कि ये विफाक तो एक कब्जागीर बन चुका है कि जी कब्जा करो। विफाक को तो चाहिए कि सूबों के साथ वो ताल्लुक पैदा करें। हमने ये कहा कि विफाक पाकिस्तान एक विफाक अपनी इकाइयों को इतना मजबूत करें जिससे विफाक मजबूत होगा। हमने फार्मूले भी इस पर दिए, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा। बजाय कि विफाक एक कब्जागीर की सूरत में सूबों की हकूक को छीन ले, तो मेरा गुजारिश है चेयरमैन साहब कि यह हकूमत फौरी तौर पर, और 40 ऑर्डिनेंसेस थे जो मैं डिस्कशन पे नहीं लाना चाहता हूं, उनमें सारे इसी किस्म की उजलतों में किए गए फैसले हैं, लेकिन मौजूदा जो 2 सितंबर को, जो 2 सितंबर 2020 को ऑर्डिनेंस इशू किया गया है, मेरा मुतालिबा है इस्लामाबाद से, मेरा मुतालिबा है ये हकूमत के वज़रा साहिबान इधर तशरीफ रखते हैं इनसे कि खुदारा ऐसे फैसला ना करो कि कल इनकी बात सुन रहे हो आपको मुश्किल पड़ जाए और नफरत और यहाँ पे महरूमी नफरत इतना जन्म ले ले कि आपके लिए कोई और खुदा ना ख्वास्ता सकूत पैदा हो। इससे मेरा गुजारिश है कि फौरी तौर पर आज वजीर साहब यहाँ पे इस फ्लोर को बता दें कि हमने इस ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया है। थैंक यू वेरी मच। जनरल कयूम साहब।